दोस्तों को देनी हो ट्रीट या फैमिली की करनी हो दावत या प्रोग्राम बना हो इफ्तार का या फिर लेट नाइट शॉपिंग की बात करनी हो सहरी तो ये स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर आपके सभी प्रोग्राम में फिट बैठेगी क्योंकि इतने सारे मजेदार बारबेक्यू आइटम से भरपूर और जबरदस्त राइस के साथ ये प्लेटर पेट पर है भारी लेकिन जेब में पड़ती है बहुत ही हल्की क्योंकि ये स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर आपको मिल रही है बोल्ड बाइट पर। तो फिर जानिए प्लेटर के प्राइस और रेस्टोरेंट की लोकेशन आगे वीडियो में। तो दोस्तों जो आपने इतनी जबरदस्त प्लेटर देखी है ये आपको मिल रही है बोल्ड बाइट पर जिसके हमने एक पहले भी डील करी थी जिसका काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था और उसके बाद से काफी ज्यादा लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई बोल्ड बाइट में कुछ और डील लेकर आई जाए। तो सामने हमारे दोस्त खड़े हुए शहबाज भाई। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शहबाज भाई, माशाल्लाह से डील बहुत चली, आप मुझे बताइए उस डील का कैसा रिस्पॉन्स आया? सर माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्स आया, ये नहीं बोलो, नो डाउट, बहुत काफी लोग आए और तकरीबन 90% लोगों ने तारीफ की थी इसी ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब टेस्ट उनको मजा आया। अभी भी आ रहा है सर, अभी ये नहीं कि अभी भी कस्टमर आ रहे हैं आपके नाम से लेकर आ रहे हैं। भाई जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमने आके फास्ट फूड ट्राई करी, पिज्जा ट्राई करा, बहुत मजा आया, कुछ एक स्पेशल सी डील बताया जिसमें बारबेक्यू वगैरह कुछ ऐसी डील है आपके पास? जी जी बिल्कुल, बारबेक्यू भी है, काफी लोग आए तो आपको पता है कोई फास्ट फूड खाता है कोई बारबेक्यू खाता है, तो इस मतलब आपके कहने पे हमने वाले बारबेक्यू प्लेटर को लॉन्च करते हैं, तो एक नया प्लेटर हमने लॉन्च करवाया है तो उससे फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम यूज कर रहे हैं। मतलब ये जो डील आप बता रहे हो ये पैसा वसूल होने वाली है या नहीं? क्योंकि पिछली डील में लोगों का पैसा वसूल हुआ था, हमें बहुत तारीफ सुनने। अच्छा ये आपने अच्छी पॉइंट मुझे बताया कि लास्ट टाइम लोग ने टेस्ट करने के बाद लोगों ने बताया कि भाई पैसा वसूल हुआ है। ये मैंने बोला ये पॉइंट बड़ा लकी हो गया था कि लोगों ने बोला यार वाकई पैसा वसूल हुआ, और इंशाल्लाह ये जब ट्राई करेंगे इसमें भी सब बोल के जाएंगे भाई पैसा वसूल हुआ है। चलो हमारी फुल कोशिश रहेगी कि हम जो हमारे कस्टमर आए उनको अच्छी सर्विस दें और अच्छा प्रोडक्ट दें, क्योंकि जो हम खुद खाएंगे वो हम पब्लिक को भी देंगे। जो भी कस्टमर आएगा वो ट्राई करेगा, बोले कि वाकई मेरा पैसा वसूल हुआ, और इतनी लो प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ देना कि मैंने अपने ऊपर बर्डन रख के कस्टमर को मैंने रिलीफ दिया कि कस्टमर आए, रमज़ान का महीना है, तो अपनी मैंने अपनी कॉस्ट को कम करके मैंने लेटर लॉन्च करा है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और उसको आके डील को अवेल करें। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप शहबाज भाई रमजान में धूम मचाने वाले हैं हुसैनाबाद पे इतनी अच्छी प्लेटर देके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हर कस्टमर जो भी है आपकी वीडियो देख रहा है वो लाजमी के लाजमी आके ट्राई करे। लेकिन वो डील असली और नस्ली होनी चाहिए क्योंकि रमजान के महीने में पूरे कराची में प्लेटर तो हर जगह मिल रही है, लेकिन जब आपके पास आएगा तो उनको फिर अच्छा आइटम मिलना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी बात है, असली एकदम असली है, मुर्गी भी असली है, ठीक है। और बाकी यही बात है कि मेरी कहना होता है कि मैं हाफ डन कोई चीज़ नहीं करवाता, ठीक है। कस्टमर को 20 मिनट 25 मिनट और वेट करवा लूँ, मगर कस्टमर को अच्छी चीज़ दूँ कि कस्टमर जब फ्रेश बनकर आए, फ्रेश खाए, फिर कस्टमर मुतमईन होकर भी जाए। बिल्कुल सही बोला, कस्टमर यही उम्मीद करते हैं कि उनके अगर पैसे लग रहे हैं तो पैसा उनका वसूल होना चाहिए। बिल्कुल लाजमी सी बात है कि अगर कस्टमर आके दो दोस्त आ रहे हैं, चार दोस्त आ रहे हैं, वो एक अच्छी की उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि हम यहाँ के सहरी करेंगे, अफ्तारी करेंगे, फिर वो कस्टमर अगर हम अच्छी चीज़ नहीं दे पाए तो फिर वो रमजान का महीना है, फिर हमें भी दो बुराइयाँ करेगा, दो गालियाँ देगा, फिर अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है कि इसलिए मैंने हमारे जो शेफ़ हैं इसको हमने यही बोला है कि भाई आपने हर चीज़ फ्रेश बना के देनी है, कोई चीज़ आपने उसको नहीं करना है कि हाफ डन करा के रखी, कोई कस्टमर बाद में बोले कि भाई इसमें ये मसला है वो मसला है, इस चीज़ पे हमारी बहुत कोशिश है कि हम इसको तरतीब रख लें। बिल्कुल ठीक बोला शहबाज, जब लोग आते हैं इधर, आजकल इतनी महंगाई हुई है कि जब लोग निकलते हैं तो अपनी जो पॉकेट मनी वगैरह से सेविंग करते हैं कि सोचते हैं यार चलो आज एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद कुछ अच्छा खाना खाने निकले, तो उनके पैसे सही जगह लगने चाहिए। तो इंशाल्लाह जब वो आपके पास आएंगे उम्मीद करेंगे कि आपके पास उनको सही पैसा वसूल हो जाएगा। अच्छा आप अपनी मुझे ये लोकेशन बताओ और कॉन्टैक्ट नंबर भी बताओ कि लोकेशन पे आगे भी लोग खा सके, उसके अलावा होम डिलीवरी भी मंगवा सके, ताकि नंबर भी बता दो। ठीक है, जो जैसे जो मेरे कस्टमर आना चाहें, ठीक है, तो उनके लिए मैं लोकेशन समझा दूं कि मैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट नियर आगा खान लेबोरेटरी के एकदम पास, ठीक है। जो कस्टमर डिलीवरी करना चाहें, डिलीवरी की फैसिलिटी भी हमारे पास है, ठीक है। कराची के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर हम लोग डिलीवरी देते हैं, ठीक है। बाकी कस्टमर आए, डाइनिंग भी हमारे पास माशाल्लाह कुछ 60 प्लस बंदे की डाइनिंग है हमारे पास, 80 बंदे हमारे पास बैठ सकते हैं डाइनिंग में। तो भाईजान जैसा कि शहबाज ने हमें बताया था कि बहुत ही स्पेशल सा इनका बारबेक्यू प्लेटर, वो आ चुका है हमारे सामने, और क्या इसकी प्रेजेंटेशन है, क्या इसकी लुक है, जबरदस्त स्मोकी फ्लेवर वाला हमारा स्पेशल प्लेटर। भाई तारीफ बहुत सुनी मैंने, और जितने इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, इसमें आपको 4 ड्रम स्टिक मिलेंगी, उसके अलावा अलग अलग किस्म के कबाब और बोटेंस मिल रहे हैं, लुक बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है मेरी नज़र में,
बेस्ट है, लेकिन अब मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, राइस थोड़े से दिखने में यूनिक टाइप के लग रहे हैं, एक हल्की सी राइस के साथ, और साथ में जो इनकी ड्रम स्टिक का फ्लेवर है वो देखते हैं और आपको बताता हूँ इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये बॉल्ड बैंड की जो स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर है जो कि मैंने रमजान में लॉन्च करी है, ये बेस्ट है और मेरे से 100% पास है। असली और नस्ली है भाई, पैसा वसूल है ये वाली स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर ही। जो इनके राइस का फ्लेवर है वो मुझे काफी यूनिक सा लगा, जो कि मैंने इससे पहले किसी भी प्लेटर में नहीं खाया। टोटली डिफरेंट है, एक ये अफगानी राइस भी नहीं आप कह सकते, ना इसको मंदी राइस कह सकते, ना इसको पर्शियन राइस बोल सकते, बल्कि इसमें जो फ्लेवर आ रहा है एक हल्के से बटर का मुझे आ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा यूनिक है लेकिन बहुत मज़ेदार है। और उसके अलावा जो इनका ड्रम स्टिक है वो बहुत स्पाइसी सी है। रेशमी कबाब मैंने जो इनका खाया है वो इतना सॉफ्ट और मज़ेदार है, उसके भी यूनिक से स्पाइसेस हैं। उससे जो मलाई बोटी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो इनका शेफ है, जैसा कि मुझे शहबाज ने बताया है कि काफ़ी सालों से उनका एक्सपीरियंस है इस बारबेक्यू पे उसका, तो मतलब आप जब इधर आएंगे तो आपको बारबेक्यू भी असली और नस्ली मिलेगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि रमज़ान में ख़ास तौर पर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का प्रोग्राम बना के इफ्तार के बाद आएँ सहरी तक, इसको इन्जॉय करें, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2000 रुपये, लेकिन अगर हमारे शहर का नाम लेके मतलब टेस्ट भाई कमाल का नाम लेके जो भी आएगा उसको सिर्फ 1500 रुपये में मिलेगी भाई। तो आप किसका वेट कर रहे हैं इस रमज़ान में इस स्पेशल प्लेट के लिए, आप इधर आएँ इसको लाजमी टेस्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका इस प्लेटर में भी पैसा वसूल होने वाला है। तो फिर मेरा आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी जबरदस्त और धमाका किस्म के व्लॉग लेकर आता रहूँ। तो आज के व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।